नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट और उसके टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर इस कंपनी के बारे में एक अपडेट जरूर दीजिएगा, तो उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो उससे पहले, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और कंटिन्यूसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एंजल वन। देखिए, एंजल वन आप सभी जानते हैं, इंडिया में जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उनमें से टॉप थ्री कंपनीज के अंदर एंजल वन का नाम आपको हमेशा दिखेगा, क्योंकि एंजल वन आज का कंपनी नहीं है, बहुत पुराना कंपनी भी है और इसके पास अच्छा खासा कस्टमर बेस भी है। अगर मैं कंपनीज की एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूँ तो और भी आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। जैसे कंपनी का मार्केट शेयर के हिसाब से देखिए, कैश टर्नओवर के सिस्टम से कंपनी 14% मार्केट शेयर रखते हैं, कमोडिटी टर्नओवर मार्केट से 56% के आसपास कंपनी का टर्नओवर होते हैं, मतलब अच्छा खासा मार्केट शेयर लेकर रखा है। और इक्विटी जो रिटेल टर्नओवर है तो इक्विटी सेगमेंट में भी 26% के आसपास टर्नओवर देखने को मिलता है और एफएनओ सेगमेंट में मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में 26% के आसपास कंपनी का टर्नओवर देखने को मिलता है। मतलब मोनोपोली एक बिजनेस कंपनी तो नहीं कर रहा है, फिर भी कंपनी का जो बिजनेस है बहुत शानदार तरीके से देखने को मिला, मतलब हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। और एक यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ अकाउंट्स, मतलब कंपनी कितने डीमेट अकाउंट ओपनिंग करके रखे हैं, 15.13% के आसपास। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के बेस्ट फ्यूचर के लिए अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला, क्योंकि कंपनी आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पुश करने वाला है। अभी देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए, पहली बात, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था, वो पैटर्न मैंने आपके साथ भी शेयर किया था, शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद शोल्डर बना, तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किए। अभी देखिए, शानदार तरीके से टारगेट तो अचीव हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर भी जाना स्टार्ट किया और फाइनली यहाँ पे क्या बना, फिर से एक बार देखिए शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है। अभी जब इस लेवल को वो टच किया था, इस रेंज को वो टच किया था, तब मैंने आपको ये बताया इस रेंज को जब भी टच करेंगे तब यहाँ पे एंट्री बनेगा और अपर साइड में इस लेवल तक टारगेट बन सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली क्या था, एक सपोर्ट था, वही सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद, अभी देखिए ध्यान से इस चीज को कि जब भी सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार इस तरीके से कुछ हैमर कैंडल बनाया, मतलब हैमर पैटर्न को वो क्रिएट किया। तो जब भी हैमर पैटर्न जैसे एक पैटर्न क्रिएट होता है तो उस पैटर्न में एक चीज को ध्यान रखना है कि जब भी हैमर पैटर्न क्रिएट हो तो वो धीरे 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 करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे और टॉप लेवल में जाने का कोशिश करेंगे। तो जब भी इस शोल्डर कम हेड कम शोल्डर कम्पीट करेंगे तो एक बड़ा मोमेंटम जर्नी देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से इस अच्छा खासा सिचुएशन के हिसाब से मैं बात करूं तो जब भी इस लेवल को टच करेंगे तब कुछ एंट्री मैं जरूर लूंगा और तब तक मैं इंतजार करूंगा कि जब यहाँ पे रेंज ना बने। तो रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप कोई किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप पेशेंस के साथ बने रहिए, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे तो वहां से आपको लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पे एंट्री लेंगे और प्रॉफिट होगा ही करके, ऐसे हमेशा होगा नहीं। तो प्लीज इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके मुझे शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड में खुद इसीलिए लेने वाला हूँ क्योंकि इस बार भी कंपनी के हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। हाईएस्ट सेल्स होने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 228 करोड़ के आसपास था वो 260 करोड़ आसपास हुआ। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में उसमें कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमेशा हर चीज पॉजिटिव होगा, ऐसे ज्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आपकी का ओपिनियन और डिसीजन है जो मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करो, उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील, इस कंपनी के बारे में सबसे पहले एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए टाटा स्टील के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, अगस्त मंथ में बाय किया था, सितंबर में सेल किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस तीनों मंथ में क्या किया, कंटिन्यूसली बाइंग की, और जनवरी मंथ में क्या किया, फिर से कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली यहाँ पे बाय सेल कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर मैं टाटा स्टील के एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूं
क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इस बार कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कम हुआ, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, नेट प्रॉफिट में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला। वो क्या है, जो पिछले बार 2,500 करोड़ के आसपास लॉसेस किए थे, इस बार वो प्रॉफिट होकर 500 करोड़ हो चुके हैं। मतलब 2,500 से 500 करोड़ तक प्रॉफिट जर्नी देखने को मिला, तो एक बेस्ट तरीके से प्रॉफिट जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग्स पिछले सालों की तुलना से बोरिंग्स थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और कंपनी के रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का CWIP कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में, मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार 35 करोड़ के आसपास पैसा प्रोसेसिंग में लगा चुके हैं। एक अच्छी बात है, जब कोई कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर ज़्यादा पैसा लगा रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने का चांसेस देखने को मिल सकता है, इसलिए शायद कंपनी के ऊपर अच्छा खासा पैसा लगाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट्स को आपको डिनाई नहीं करना चाहिए, कंपनी के ऊपर जरूर आपको स्टडी करके काम करना चाहिए। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर एक चीज और भी नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, देखिए कंपनी रिटर्न आपको कितना दिया, 10 साल में 15%, 5 साल, 3 साल और 1 साल में कंपनी 27% के आसपास रिटर्न दिया। एवरेज निकल के मैं आपको दूं तो करीबन 20% के ऊपर एवरेजली आपको 10 ईयर्स तक रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकते हैं, तो जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक पैटर्न भी क्रिएट हुआ। मैं आपको बता दूं उस पैटर्न में मेरा टारगेट भी अचीव हो चुके हैं, बहुत दिनों टाइम लगा कि जैसे यहाँ पे पैटर्न बना, कब हुई थाने पैटर्न बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट किया। जब भी रीटेस्ट किया मैंने एंट्री लिया, और जब एंट्री लिया था मैं आपके साथ शेयर भी किया कि मेरा एंट्री कहाँ पे है, और उसके बाद नीचे भी आया, और देखिए 200 डेज ये में जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट था वही सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया, उसके बाद डायरेक्टली वो टारगेट को अचीव किया। और इसका जो टारगेट निकल के आ रहे थे 18%, और 18% कितने दिनों में मिला, अगर मैं एंट्री लेवल से, मैं एक बार एंट्री लेवल से टारगेट तक आपको मार्किंग कर दूँ तो अभी और भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, हाँ अभी ठीक है। तो देखिए एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक मार्किंग करूँ तो 159 डेज, मतलब एटलीस्ट 5 मंथ्स आप बोल सकते हैं, 5 मंथ्स में, 6 मंथ चलो मान लेता हूँ, 6 मंथ में 18% का रिटर्न मिला। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकते हैं, तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इजी टिप प्लानर। देखिए इजी टिप प्लानर के बारे में मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता रहूंगा कि इस कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उस पैटर्न को अगर ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा धमाका दिखेगा। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर बहुत दिनों के बाद, बहुत गिरावट के बाद कंपनी फाइनली एक कफ हुई थाने पैटर्न क्रिएट किया, और कफ हुई थाने पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब मुझे लग रहा है और एक बार कुछ हैंडल जो है कफ हुई हैंडल का जो हैंडल पैटर्न और एक बार बनने का चांसेस है। अगर यहाँ पे बने और कंप्लीट करे तो एक अच्छा खासा टारगेट होने का चांसेस रहेगा। तो आपको लग रहा है क्या कि सर इस छोटा लेवल में कितने टारगेट मिल सकता है, छोटा लेवल में भी 28% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है एक अच्छा खासा टारगेट पॉइंट यहाँ पे मिलने का चांसेस है मुझे, तो मैं इसके ऊपर जरूर एंट्री लूंगा। आप अगर इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहता है तो प्लीज एक बार खुद के ओपिनियन के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करिए, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको सारी चीज सीखने को मिलेगा। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, काम करना है तो जरूर सोचकर समझकर आपके खुद के डिसीजन के ऊपर काम करिए। मैंने इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने के फैसला जो लिया उसके पीछे रीजन भी है। अगर मैं सेल्स के बारे में बात करूं तो पिछली बार के तुलना से इस बार सेल्स अच्छा हुआ, मतलब सेम टू सेम हुआ, और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट 45 करोड़ से 51 करोड़ तक बन चुके हैं। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, तो एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। और उसी बेसिस में एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो FS के पास, DS के पास इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा है, बाकी इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। अगर वही चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया वो आपको देखना बहुत जरूरी है। देखिए लास्ट नवंबर, दिसंबर और जनवरी तीनों मंथ में म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कंटिन्यूसली बाइंग किया। इसका मतलब लोअर लेवल में इसका बाइंग उठाना स्टार्ट हो चुके हैं। तो सिचुएशन वाइज मैं बात करूं कंपनीज के ऊपर, मैं तो बुलिश हूं, आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। देखिए कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है डिविडेंड का। तो कंपनी डिविडेंड देने वाला है 4.5 रुपीज करके, और वो भी आपको 21 तारीख में डिविडेंड देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।